हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एग्जांपल में हम एक स्ट्रिंग से दूसरी उसकी सबस्ट्रिंग निकालना सीखेंगे। उसमें हम एक स्ट्रिंग यूजर से पास करेंगे और उसकी सबस्ट्रिंग बनाएंगे। जितने भी पॉसिबल सबस्ट्रिंग होती है वो हम इस एग्जांपल में जनरेट करेंगे। तो चलिए समझते हैं इस एग्जांपल को। इससे पहले हम देखेंगे ये किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि हमने राज सबस्ट्रिंग पास की है यहाँ पे, तो उसमें पहले R प्रिंट होगा, फिर RA प्रिंट होगा, उसके बाद राज प्रिंट होगा। अब हम R को प्रिंट ना करके यहाँ पे A को प्रिंट करेंगे, फिर AJ और उसके बाद हम यहाँ पे J को प्रिंट करेंगे। इस तरीके से हमारी सबस्ट्रिंग बन गई है। तो राज की इतनी पॉसिबल सबस्ट्रिंग हो सकती है। अब इस प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप पोजीशन देखने के लिए हमें इसमें कुछ फॉचिस ऐड करने पड़ेंगे। तो कंट्रोल F7 से फॉचिस ऐड करेंगे हम। सबसे पहले ऐड करेंगे स्ट्रिंग, फिर पॉइंटर, उसके बाद पोजीशन, लेंथ और सीन। तो इसमें हमने सारे पॉसिबल वेरिएबल डाल दिए हैं जिसे हमें ऑब्जर्व करना है। अब कंट्रोल हमारा मेन पे है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। F7 प्रेस किया हमने। अब यहाँ पे पोजीशन लेंथ वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। F7 प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कराई है राज। तो हमारी स्ट्रिंग में राज आ गया है। अब हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया है पोजीशन और लेंथ। सेकंड पोजीशन से स्ट्रिंग लेते हैं और थर्ड है साइज। अब हमारा कंट्रोल सबस्ट्रिंग पे आ गया है जो पॉइंटर टाइप का है। अब ये स्ट्रिंग पोजीशन और लेंथ को पास करेगा इस सबस्ट्रिंग फंक्शन के अंदर जो एक पॉइंटर टाइप का है। स्ट्रिंग पोजीशन और लेंथ, स्ट्रिंग में यहाँ पे स्ट्रिंग पास नहीं हो रही है, उसका एड्रेस यहाँ पे पास हो रहा है। तो जो भी चेंजेस होंगे वो इसी स्ट्रिंग में होंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंटर इज इक्वल टू मैलॉक लेंथ प्लस 1, यहाँ पे मेमोरी अलोकेट होगी और यहाँ पे ये पॉइंटर इसे एड्रेस करेंगे इस लेंथ को। अब यहाँ पे पॉइंटर इक्वल टू नल है तो अनेबल टू अलोकेट मेमोरी दिखा देगा, और अगर नल नहीं है तो आगे एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे फॉर लूप है, सी में कुछ डिफाइन नहीं किया है अभी, सी इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे सी स्मॉलर देन पोजिशन माइनस 1 और स्ट्रिंग इंक्रीमेंट हो जाएंगी। जो हमारा स्ट्रिंग पॉइंटर है वो सेकंड एड्रेस को पॉइंट करेगा और उसमें जो वैल्यू होगी उसे शो करेगा। अब कंट्रोल इस वाले लूप को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर जब इस लूप को एग्जीक्यूट किया F7 की हेल्प से, तो इसने कंपेयर किया 0 क्या लेंथ से कम है, तो ये कम है। लेंथ हमारी 3 है यहाँ पे, तो ये 3 से कम है, तो ये लूप जो है हमारा 3 टाइम तक चलेगा। तो हमारा पॉइंटर है उसके अंदर AJ है और स्ट्रिंग में AJ है, उसके बाद स्ट्रिंग इंक्रीमेंट हुई, अब ये J पे आया, फिर से एग्जीक्यूट हुआ। इस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमारी C की वैल्यू 3 के इक्वल हो गई है 3 से, तो अब वो लूप से बाहर आ जाएगा और जो AJ है उसे यहाँ पे रिटर्न कर देगा। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई, पॉइंटर फ्री किया इसने और आउटपुट शो किया रिक्वायर्ड सबस्ट्रिंग इज AJ। इस तरीके से हमने राज स्ट्रिंग देकर उसकी सबस्ट्रिंग फाइंड की और उसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखा। थैंक यू।